रब रहमत कर दे बंदे नु थोड़ी जी कोई नेमत मिलदी बंदा बंदे नु बंदा ही नहीं समझदा फिर मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कोई मर्तबा चाहिए दाना खाक में जड़ा इंसान अपने आप नु नीवा रखदा है अपने आप नु मिटा के रखदा है फिर रब उदी इज्जत बढ़ांदा है जी है जो अल्लाह करम करता है फिर इम्तिहान भी लैंदा है सरकार वाकया सुना रहे ने एक साथी उहदे सिर ते वाल नहीं सी अल्लाह पाक ने फरिश्ते नु भेजिया जा भी इहनू जरा पुछ गया हुण फरिश्ता कोल आया ना ये सरकार वाकया सुना रहे ने कि फरिश्ता कोल आया उहदे सिर ते वाल कोई नहीं सी फरिश्ते ने पुछया भी हाँ तेरी कोई हाजत उहने कहा जी सिर ते वाल भी आ जाए थोड़ा जिहा माल भी आ जाए वाल भी आ जाण ते माल भी आ जाए अल्लाह नूं फरिश्ता आया सी उस सिर ते हाथ फेरिया ते वाल भी आ गए माल भी आ गया है दूसरे बंदे वाल रब ने भेजिया उस बंदे दे जिस्म ते कोड़ पिया सी उहनूं हुण पुछिया फरिश्ते ने भी तेरी कोई ख्वाहिश उहने कहा जी ये तकलीफ भी दूर हो जाए ते कोई पैसा भी आ जाए हुण उहदे जिस्म ते हाथ फेरिया कोड़ खत्म हो गया ऊंठ भी मिल गए बकरियां मिल गईयां जायदाद इन्नी हो गई तीसरे बंदे दे कोल फरिश्ता गया ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਬੀਨੀਆਂ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਨਬੀਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੇਖਾਂ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मेरे नबी आ फरमा रहे तिना की ख्वाहिश पूरी हो गई तो जो दौलत इन्नी हो गई तो रब ने फिर थोड़ा जहा इम्तिहान लिया फरिश्ते ने भेजा जा भी जिद सिर के बाल नहीं सू कहना जरा जाके कि थोड़ा जहा कोई अल्लाह के राह से भी खर्चा कर फरिश्ता आया उन्हें कहा भी थोड़ा जहा अल्लाह के राह से खर्चा कर उन्हें कहा जी मेरे तो हालात ठीक नहीं ने मेरा तो मेरे तो अपने खर्चे नहीं पूरे होंगे फरमाया कि अच्छा पता लगा जी तेरे सिर के बाल कोई नहीं सी वो कहना है तेन किने कहता वाल नहीं सी मैं तो शुरू तो खानदानी है मैं अच्छा जा फिर जिम्मे पहले सा उ हो जा पहले सी जिस तरह उस तरह ही हो गया दूसरे को फरिश्ता गया उन्हें पूछा उन्हें क्या गया कि भी इन्हें अल्लाह तेरे तेरे रहमत की थी थोड़ा जहा अल्लाह के रस्ते से भी खर्चा कर जी मेरे को कुछ है ही कोई नहीं मेरे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होंगे हैं उन्हें क्या गया उन्हें क्या जी मैं बहुत शुरू तो अमीर तरीन बंदा मैं कि अच्छा जा जिम्मे पहले सादे उ हो जा वो भी उसी तरह हो गया उसी बीमारी से मुबतला भी हो गया पैसा भी चले गया तीसरे बंदे दे कोल हुण बंदा फरिश्ता गया उन्हें क्या गया जिंदी अखियां नहीं सी उन्हें क्या गया कि भी थोड़ा जहा अल्लाह के राह से खर्चा कर उन्हें कहा जी अल्लाह के राह से अल्लाह के राह से उन्हें कहा जाओ मेरे ऊंट खलोते जे है जाओ मेरिया बकरियां खलोती जे है जाओ मेरा पैसा अल्लाह के राह से अल्लाह के नाम तो बेलिया मैं अन्ना सा कहना मैं अन्ना सा है मैं तो किसी कम का ही नहीं सा मैं तो एक बेकार चीज सा रब ने मैं अखा दिखा रब ने मेरे रहमत की रब ने मेरे करम किया फिर ऐसा करम होया मैं अखा मिलिया रब ने कायनात की हर चीज दिखा दी है उस रब का नाम लिया मेरी हर शह तेरे ते रब के नाँ से कुरबान है सारा कुछ कुरबान कर दिता मैं जो कुछ है लै जा है जो कुछ है लै जा है बंद तू अपनी औकात ना भूल है रब जो तेरे ते रहमत करता पै रब ने तेरे ते करम किया रब ने तेनू नेमत दी रब ने तेनू अता किया अपनी असलियत ना भूल मैं कहा जी मेरे ये हालात होंगे सन अल्लाह ने करम किया जो तू अल्लाह का नाम लिया तो सारा कुछ ही लै जा फिर फरिश्ते ने कहा नहीं भाई तू इम्तिहान चो कामयाब हो गया है तू कामयाब हो गया है लेना तेरे को कुछ नहीं अल्लाह ने आजमाइश ली तो तू कामयाब हो गया है रब दे के भी देखता है बंदा समझता कि पता नहीं मैं इतने पक्का ही मालक बन गया मेरे दोस्तों कोई आया लेके चला गया उम्र बार भी ना पा सका ये मुक्सर जी जिंदगी है खुदा की कसम है मुक्सर जहा टाइम है तो टाइम देखो किन्नी तेजी नाल वक्त गुजरता पे बंदा थोड़ी जी तू कैलकुलेशन वाले पासे आ किन्नी तेजी नाल सूरज हर रोज सुबह निकलता है हर रोज सूरज पैगाम लेके आता कि बेलियो अपने अपने काम जो सीधे काम कर लो पैगाम दे रहा है दिन चढ़ गया अपने अपने मामलात को सीधा कर लो मैं दोबारा इस दिन वास्ते नहीं जाना दोबारा इस दिन वास्ते नहीं आना बंदे की दौड़ किस तरह लगी खप जाने यार कोई नमाज आले पासे आओ खप जाने यार मेरा मुर्शिद दिन दिन रात खपता पे है एक एक बंदा बंदा समझता जिम्मे बंदा बन गया मेरे वर्गा बंदा ही क्यों नहीं है बेलिया तो बंदा नहीं बनया
बंदा उदो ही बनता जो बंदगी वाले बंदे को बैठते अपनी मर्जी ना चीज नहीं बनती अपनी मर्जी ना चीज नहीं चलती इस वजह तो अपना आप किसी के हवाले कर दीए फिर अपनी मर्जी खुशी हुई सरफराज साहब देख के मुर्शद के नाल मुलाकात हुई तो दाड़ी आने लग गई मजीद मुलाकात हुई तो चेहरे के नबी की सुनत आ गई है कि मजीद मुलाकात होगी तो अगले फैद आ जाएगा जिन्होंने वेखने उन्होंने भी इस पास लाई जाएंगे।